नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। भारतीय रेल यात्री कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं उत्तर मध्य रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य डॉक्टर प्रदीप कुमार तिवारी ने प्रयागराज पहुंचकर भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कमांड सेंटर का अवलोकन किया। सेंटर के अपर महाप्रबंधक मनु प्रकाश दुबे से भेंट करने के बाद सेंटर के विशेष कार्य अधिकारी अखिलेश कुमार ने सेंटर में स्थापित 90 मीटर की स्क्रीन के बारे में विस्तार में बताते हुए कहा कि यह सेंटर आधुनिक तकनीकी से निर्मित एवं सर्व सुविधाओं से युक्त एशिया का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है, जहाँ आधुनिकतम तकनीकी से प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा रेल लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों पर नजर रखी जाती है, जो किसी भी खतरे को भाप कर संबंधित विभाग को सूचित करती है, जिससे किसी भी प्रकार का सुधार किया जा सकता है और उन्होंने होने वाली ट्रेन दुर्घटना का संभावना निग्न बताई। उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक है। मालगाड़ी की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कॉरिडोर के चालू होने के बाद गति 3 गुना हो गई है। इसके अलावा मालगाड़ी की वजह से यात्री ट्रेनों को भी नहीं रोकना होगा, इससे उनकी गति भी बढ़ेगी। साथ ही सेंटर के सुरक्षा आयुक्त आशीष मिश्रा से भेंट करके सुरक्षा मानकों को भी समझा जाएगा। उन्होंने सुरक्षा मानकों के साथ ही कंट्रोल सेंटर तथा कॉरिडोर की अन्य उपयोगिता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल विभाग के औद्योगिक विकास की लाइफलाइन सिद्ध होगा। इस अवसर पर अन्य ZRUCC सदस्य सोम तिवारी एवं प्रदीप कुमार चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। उपलब्ध है 750 स्क्वायर फीट में डबल स्टोरी होम, जिसमें आपको मिलेगा 5 रूम, 2 किचन, 2 टॉयलेट, बालकनी, पोर्च, फ्रंट एंड बैक साइड, वेल मेंटेन रोड, JDA अप्रूव्ड, नेगोशिएबल प्राइस 50 लाख। एड्रेस है जावेद अनवर, सीपी मनीष इलेक्ट्रॉनिक वाली लेन में, आर्य समाज मंदिर के पास, सीपी बाजार, झांसी। कॉन्टेक्ट नंबर 8299006312।